बुरहानपुर जिले में इन दिनों वन विभाग और अतिक्रमणकारियों के बीच लगातार विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। 25 जनवरी की रात को वनकर्मी और ग्रामीण आमने सामने हो गए, जिसमें 8 वनकर्मी घायल हो गए थे और आज ग्रामीण महिला का स्वास्थ्य बिगड़ा है। बुरहानपुर जिले के वन परिक्षेत्र नावरा के ग्राम हिवरा में 25 जनवरी की रात वनकर्मियों और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद में घायल महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। महिला को उपचार के लिए परिजनों ने निजी वाहन से बुरहानपुर जिला चिकित्सालय रवाना किया। घायल महिला के परिजनों ने वन कर्मचारियों पर महिला पर बंदूक के बट से वार कर घायल करने के आरोप लगाए हैं। घायल महिला के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने हिबरा वन चौकी का घेराव किया है। वहीं जब इस संबंध में DFO प्रदीप मिश्र से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अभी वन कर्मियों से चर्चा होना शेष है, सभी के बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल की घटना थे 7:30-8 बजे के बीच में थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके गांव वाले के घर पे गए थे ना, उनके साथ में मारपीट की, इसका गांव वाले ने मुझे बताया। उसके बाद में फिर हमने चौकी में बताया, फ़ोन करके बताया, चौकी वाले आके उनका FIR कर दिए। और उसके बाद में फिर आज महिला के जो जिस महिला को मारे थे और एक मुरली है उसके सर पे बंदूक के बट से मारे, ऐसा गाँव वाले कहना है। तो उसको चोट लगे तो मेडिकल करके लेके आया उसको, और महिला को भी कल ले गए थे मेडिकल करने के लिए। तो मेडिकल करने के बाद में महिला को आके घर में रख दिया, उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ के जा दे, और फिर आज दोबारा उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। सर, 25 तारीख के रात को ये फॉरेस्ट लोग आए और हमारे कुछ यहाँ यूरा में गांव में आकर इन्होंने हमारे कुछ महिलाओं को साथ में आकर उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार किए और हमारे महिलाओं को भी मारे, और कुछ हमारे गांव के लोग थे ग्रामीण लोगों को भी इन्होंने आकर अपने बंदूक के पीछे के जो नोक आती है उस नोक से भी वार किया था। सर, कोई घायल है उसमें? इसमें घायल एक महिला की तबीयत आज बहुत सीरियस है सर, उन्हें बुरहानपुर आज हमने स्वयं के पर्सनल गाड़ी करके उसे पहुंचाया गया है। सर, प्राथमिक जानकारी हम लोग को प्राप्त हो गई है, कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं प्रकाश में ग्रामीणों की, क्या वजह है, किस वजह से ऐसा हुआ है, ये अभी भी जांच का विषय है, अभी भी स्पष्ट बातें सामने नहीं आई है। हमारे कुछ कर्मचारी घायल हैं तो एक बार उनसे बातचीत हो जाए, अभी स्वस्थ हो जाए तो पूरी जाँच करके स्पष्टता आएगी कि क्यों पत्थरबाजी हुई है।